प्रदेश में 37वां नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो गया है। गुरुवार को नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मंचासीन अतिथियों के साथ नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भी भरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चारों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नेत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में 30 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। हर जिले में अब मोबाइल वैन के जरिए कार्ड बनेंगे। उत्तराखंड सरकार कई चीजों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और आपको ताज्जुब होगा कि आयुष्मान भारत में और अटल आयुष्मान में अभी तक हम लोग लगभग उन 50 लाख 50 हजार से भी ज़्यादा आयुष्मान और आयुष्मान भारत के कार्ड बना चुके हैं। अटल आयुष्मान जितनी हमारी आबादी है या जितनी भारत की आबादी है, सर्वाधिक अगर किसी स्टेट ने अभी तक आयुष्मान भारत में कार्ड बनाए हैं आबादी के हिसाब से तो उत्तराखंड राज्य है। और हमने टारगेट रखा है कि 6 महीने में हम 30 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड और बनाने जा रहे हैं। वहीं प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 2030 तक अंधता की दर को 0.25% तक लाने का लक्ष्य है। उन्होंने लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सनातन धर्म में दान की परंपरा सदियों पुरानी है। महर्षि दधीची ने मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। 37th एडिशन है और ये हम लोग आज स्टेट में मना रहे हैं और हम लोग प्लेज भी कर रहे हैं सब लोग कि हम अपने नेत्र को जरूर जान दान देंगे और इस बात पे भी जनता को जागरूक कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो ब्लाइंडनेस का कारण है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है और अभी भी 18 लाख लोग पूरे भारतवर्ष में उससे ग्रसित हैं जिसमें 10,000 लोग उत्तराखंड में हैं। और लगातार हम लोग जो है जब से ये प्रोग्राम 1976 से चलाया जा रहा है हम लोग इसका दर 1.1% से लेके आज 0.36% तक ले आए हैं और हमारा एम है कि सन 2030 तक इसको 0.25% तक ले आए हैं। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में महापौर सुनील उनियाल गामा, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह, संयुक्त निदेशक डॉक्टर एस के झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती भी उपस्थित रहे।